नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कलेक्टर को महंगी पड़ी नेहरू की तारीफ, तबादला। बड़वानी के कलेक्टर अजय सिंह गंगवार को सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सराहना करना खासा महंगा पड़ गया। गंगवार को भोपाल में सचिवालय में उप सचिव के तौर पर स्थानांतरित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि गंगवार ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा था कि मुझे उन गलतियों का पता होना चाहिए जो नेहरू को नहीं करनी चाहिए थी। क्या यह उनकी गलती थी कि उन्होंने 1947 में हिंदू तालिबानी राष्ट्र बनने से रोका? क्या IIT, इसरो, बार्क, IISB, IIM खोलना उनकी गलती थी? या क्या ये उनकी गलती थी कि उन्होंने आसाराम और रामदेव जैसे बुद्धिजीवियों की जगह होमी जहांगीर का सम्मान किया? कैलिफोर्निया चुनाव से पहले ट्रंप और सैंडर्स में सीधी बहस। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव की उम्मीदवारी तय करने के लिए अगले महीने 7 जून को कैलिफोर्निया में होने वाले प्राइमरी चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक दावेदार बर्नी सैंडर्स के बीच सीधी बहस हो सकती है। एक स्थानीय टीवी चैनल से बातचीत में ट्रंप ने सैंडर्स से सीधी बातचीत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि इससे होने वाली आमदनी किसी अच्छे काम के लिए दान की जाए तो वह इसके लिए तैयार है। सैंडर्स ने भी ट्विटर पर दिए गए अपने संदेश में ट्रंप के इस विचार पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि वह इसके लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में अभी तक उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा के बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच सीधी बहस की परंपरा रही है। पर्रिकर ने कहा कि अगस्ता सौदे में सोनिया का नाम नहीं लिया। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में 100% राजनीतिक हस्तक्षेप का दावा करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्होंने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया। मोदी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के मौके पर पर्रिकर ने विशेष बातचीत में कहा कि उन्होंने संसद के बाहर सवालों के जवाब में कहा था कि इटली की अदालत के फैसले में श्रीमती सोनिया गांधी और बड़े बड़े नेताओं के नाम आए हैं। मैंने सोनिया को न तो आरोपी कहा और न ही भ्रष्ट बताया। उन्होंने कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री के समय से ही मेरा सिद्धांत है कि जब तक प्रमाण न मिले मैं किसी को दोषी के तौर पर नाम नहीं लेता। जिस दिन नाम मेरे पास आ जाएगा उस दिन साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और इस मामले में शामिल नामों का तथा दृश्य हाथ पता लगाने का काम CBI का है। मैं इस जांच की निगरानी नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन मामले में प्रगति के बारे में पूछता रहता हूँ।